हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शिवानी, प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल एरोजन के बारे में, जिसमें आयुर्वेद में जिसको कर्णिनी योनि व्यापार बोला जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि सर्वाइकल एरोजन क्या होता है, तो अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जो गर्भाशय का मुंह होता है, जिसको सर्विक्स कहा जाता है, वहाँ पे घाव होने लगता है, जिसको मेनली सर्वाइकल एरोजन बोलते हैं। अब ये कि इसका क्या कारण है, किस वजह से सर्वाइकल एरोजन होता है, तो ये जो गर्भाशय का मुंह है जिसको सर्विक्स बोलते हैं, तो ये जो बाहर का एरिया दिखाई दे रहा है इसको एक्टोसर्विक्स बोलते हैं, और जो अंदर का एरिया होता है एक्सटर्नल ऑस से इंटरनल ऑस तक, जिसको एंडोसर्विक्स बोलते हैं। तो एक्सोसर्विक्स पे स्क्वैमस सेल्स प्रेजेंट रहते हैं और एंडोसर्विक्स में कॉलमनर एपिथीलियम प्रेजेंट रहते हैं। तो कुछ चेंजेस होने की वजह से जो ये कॉलमनर एपिथीलियम सेल्स हैं, जो अंदर की तरफ है एंडोसर्विक्स में, वो बाहर स्क्वैमस एपिथीलियम को रिप्लेस कर देते हैं। और जब ये कॉलमनर स्क्वैमस एपिथीलियम को रिप्लेस कर देते हैं, तभी ये एरोजन होने लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये किस कंडीशन में होता है, या किस वजह से ये जो रिप्लेसमेंट हो रहा है ये किन वजह से होता है। तो मेनली इसके दो कारण हैं, एक तो कंजेनाइटल कारण हो सकता है और दूसरा एक्वायर्ड। कंजेनाइटल कॉज की बात करें तो कंजेनाइटल यानी कि जब बेबी का बर्थ होता है उस टाइम पे ये प्रेजेंट रहता है, अराउंड 1/3 केसेस में प्रेजेंट रहता है। तो इसमें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप हील हो जाता है। सेकंड हम बात करें एक्वायर्ड कॉज की, तो एक्वायर्ड कॉज में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले हार्मोन्स चेंजेस होने की वजह से, जब एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है तब ये रिप्लेसमेंट होने लगता है। एस्ट्रोजन हार्मोन किन किन कंडीशन में बढ़ने लगता है, तो पहला है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बढ़ा हुआ रहता है, तो उस टाइम पे भी सर्वाइकल एरोजन देखने को मिल सकता है। सेकंड, अगर हम बात करें कि पेशेंट अगर हार्मोनल पिल्स पे है, कंबाइंड ओरल पिल्स या फिर बर्थ कंट्रोल पिल, अगर पेशेंट ये पिल्स ले रहा है तो ये भी एक कारण हो सकता है सर्वाइकल एरोजन होने का। नेक्स्ट कारण की बात करें तो वो है इन्फेक्शन, जिसमें क्रॉनिक सर्विसाइटिस आ सकता है। इट मीन्स अगर लंबे समय से इन्फेक्शन हो रहा है वेजाइनल एरिया में, तो वो भी एक कारण हो सकता है सर्वाइकल एरोजन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं पेशेंट को। तो सबसे पहले वेजाइनल डिस्चार्ज रहेगा बहुत ज़्यादा। सेकंड, कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग हो सकती है, इट मीन्स आफ्टर इंटरकोर्स पेशेंट को ब्लीडिंग दिखाई दे सकती है। इसके साथ साथ में पेल्विक एरिया में पेन हो सकता है, इट मीन्स लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, और उसके साथ साथ में बैकिक हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसको हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट कंप्लेन के साथ आएगा कि वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है या पेल्विक पेन है। उसके साथ साथ में जब हम पेशेंट का एग्जामिनेशन करेंगे, इंटरनल एग्जामिनेशन, तो हमें सर्विक्स एरिया पे एक्सटर्नल ऑस के अराउंड हमको ये रेड कलर एरिया, इन्फ्लेम्ड एरिया दिखाई देगा, जिसको सर्वाइकल एरोजन बोलते हैं। तो इस तरह से हम डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके मैनेजमेंट की बात करें, तो जैसा कि पहला मैंने बताया कि हार्मोन्स चेंज होने की वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकता है, तो अगर ये हमको प्रेगनेंसी टाइम में देखने को मिल रहा है या फिर डिलीवरी होने के बाद परपीरियम टाइम में देखने को मिल रहा है, तो कुछ टाइम का वेट करने के लिए बोलना चाहिए, उसके बाद ये अपने आप हील हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद हार्मोन्स अपने आप नॉर्मल लेवल पर आ जाते हैं, तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। सेकेंड, अगर हम बात करें कि पेशेंट अगर हार्मोनल पिल्स ले रहा है, तो कुछ टाइम के लिए पिल्स को स्टॉप करने के लिए बोलिए, ताकि जो हार्मोन्स है एस्ट्रोजन हार्मोन वो कम हो जाए, और उसकी वजह से फिर ये अपने आप ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो थर्मल कॉटराइजेशन। थर्मल कॉटराइजेशन में क्या रहता है कि हीट के ज़रिए जो भी ये इन्फ्लेम्ड एरिया है उसको जला दिया जाता है, ताकि वहाँ पर नई सेल्स ग्रो हो सकें। इसी में जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट में है वो है क्रायोसर्जरी। क्रायोसर्जरी में क्या है, जैसे कि थर्मल कॉटराइजेशन में हीट करके वहाँ के एरिया को बर्न किया जा रहा है, क्रायोसर्जरी में उस एरिया को ठंडा करके वहाँ की सेल्स को बर्न किया जाता है, ताकि वहाँ पे न्यू सेल्स ग्रो हो सके। नेक्स्ट हम इसके आयुर्वेदिक व्यू की बात करें, तो आयुर्वेद में इसको कर्णिनी योनि व्यापक बोलते हैं। इसमें जो दोष का इन्वॉल्वमेंट बताया गया है वो कफ और पित्त का इन्वॉल्वमेंट बताया गया है। जब कफ और पित्त ज़्यादा बढ़े जाते हैं, तो उस वजह से ये सर्वाइकल एरोजन हो सकता है। आयुर्वेद में हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर पहले जैसे मैंने बताया प्रेगनेंसी के टाइम में है या फिर हार्मोन पिल्स की वजह से है, तो हमको उनको स्टॉप करने के लिए बोलना चाहिए। अगर ये इन्फेक्शन की वजह से हुआ है,
जो कि मैंने एक कारण बताया था, क्रॉनिक सर्विसाइटिस की वजह से भी सर्वाइकल एरोजन हो सकता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम योनि प्रक्षालन कर सकते हैं। योनि प्रक्षालन उन केसेस में हेल्पफुल रहेगा जिसमें ये जो सर्वाइकल एरोजन है वो इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। तो सबसे पहले योनि प्रक्षालन करें, इट मीन्स वेजाइनल डूशिंग, जो वेजाइनल एरिया है उसको क्लीन करना चाहिए। उसके लिए हम त्रिफला कषाय यूज़ कर सकते हैं, पंचवल्कल कषाय हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो और ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, नेक्स्ट है योनि पीचू। योनि पीचू इट मीन्स वेजाइनल टैम्पन्स, ऑलवेज यूज़ स्टरलाइज टैम्पन्स, हमेशा स्टरलाइज टैम्पन का यूज़ करें। इसमें क्या रहता है, मेडिकेटेड ऑयल में जो टैम्पन्स है उसको डिप करके वेजाइनल एरिया में रखा जाता है। तो इसमें हम जो ऑयल मेनली यूज़ करते हैं वो है जात्यादि तेल। तो जात्यादि तेल जो है वो एरोजन को कम करने में हेल्प करेगा। तो 7 to 8 days हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं। उसके बाद अगर योनि प्रक्षालन, वेजाइनल टैम्पन्स, योनि पीचू से भी अगर ये ट्रीट नहीं हो रहा है तो उसके बाद हम शार्कर्म कर सकते हैं। शार्कर्म करने के लिए हम कौन सा क्षार यूज़ कर सकते हैं, तो अपामार क्षार है, टंकण क्षार है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो क्षार रहता है वो जो जो भी इन्फ्लेम्ड एरिया है वहाँ पे अप्लाई करना है। फिर जब वो पक्व जम्बू कलर का, इट मीन्स जो जामुन का जो कलर रहता है, जब वो उस कलर में चेंज हो जाए तब वहाँ से उस क्षार को हटा देना है। क्षार को हम किस तरीके से हटाते हैं, तो नींबू स्वरस का यूज़ करते हैं। जो कॉटन है उसको नींबू स्वरस में डिप करेंगे और उसके बाद वहाँ से उस क्षार को हटा लेंगे। तो इस तरह से हम क्षार कर्म कर सकते हैं। क्षार कर्म का बहुत अच्छा रिजल्ट है सर्वाइकल एरोजन में। तो आज की वीडियो में हमने देखा सर्वाइकल एरोजन क्या है, इसके क्या कारण हैं और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्पेशली आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स को, ताकि उनको आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। थैंक यू।